हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनईपी 2020 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। अपने इस वीडियो में मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसको स्टार्ट किया था यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया द्वारा 29 जुलाई 2020 को। इसका एम है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना बाई 2030। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, और कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं। लैंग्वेज को लेके लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो इसमें जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो एडवाइजरी नेचर की हैं, और किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज स्टडी करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स, बोर्ड्स और इंस्टीट्यूशंस इस पर फाइनल डिसीजन लेंगी। रिकमेंडेशंस ये है कि क्लास 5th तक मदर टंग और लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, जिसको क्लास 8th तक भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बियॉन्ड भी। संस्कृत और फॉरेन लैंग्वेज इस पर भी इम्फेसिस देने की रिकमेंडेशंस है। स्कूल लेवल पर 3 लैंग्वेजेस बच्चे को पढ़नी चाहिए, ये रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें से कम 2 नेटिव होनी चाहिए। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5+3+3+4 सिस्टम के बारे में बताया था, उसकी थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन और देता हूँ। सबसे पहला जो 5 था, उसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी में रहेगा 3 साल तक, और क्लास 1 एंड 2 कवर होंगी, और एज लिमिट इसमें रखी है 3 to 8 ईयर्स, और इसका नाम दिया हुआ है फाउंडेशन स्टेज। और सेकंड जो 3 है उसका नाम है प्रिपरेटरी स्कूल या स्टेज, और उसमें क्लासेस 3, 4 एंड 5 होंगी, और एज ग्रुप रहेगा 8 to 10 ईयर्स। और जो नेक्स्ट 3rd है उसका नाम है मिडिल एज या मिडिल स्टेज, और इसमें 3 क्लासेस आएंगी 6, 7, 8, और एज ग्रुप है 11 to 13 ईयर्स। और लास्ट में जो 4 है इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज, और इसमें 4 क्लासेस आएंगी 9th, 10th, 11th एंड 12th, और एज ग्रुप रहेगा 14 to 18 ईयर्स, और 3 बोर्ड टाइप के एग्जाम्स होंगे, उसके बीच में कोई एग्जाम्स नहीं होंगे, 3rd क्लास के बाद, 5th क्लास के बाद और 8th क्लास के बाद। और 10th और 12th में पहले जैसे बोर्ड चलते थे वो कंटिन्यू रहेंगे। और एक यहाँ पे परख नाम आता है, जिसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये बेसिकली बोर्ड का स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करेगा परख, और बोर्ड साल में 2 बार होंगे, और बच्चों को 2 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे, और इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। सब्जेक्ट चॉइस के बारे में मैं पहले भी आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के साथ आप फैशन स्टडीज भी परस्यू कर सकते हो, तो सब्जेक्ट चॉइस आपके पास रहेगी। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो डिग्री प्रोग्राम 4 साल का कर दिया है, जिसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे। अगर आप पहले साल के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर आप सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट करते हो तो एक डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, 3rd ईयर के बाद एग्जिट करते हो तो बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और 4 ईयर के बाद कंप्लीट करते हो तो आपको मल्टी डिसप्लिनरी बैचलर्स डिग्री दी जाएगी, और एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कुछ स्टेट्स में आपको बताता हूँ, जैसे कर्नाटका सबसे पहली स्टेट थी जिसने अगस्त 2021 में इसको इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद एमपी ने भी 16 अगस्त 2021 में इसको इम्प्लीमेंट कर चुकी है, और यूपी ने ये बोला हुआ है कि 2022 तक इन फेजेज इसको इम्प्लीमेंट कर देगी, और तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने एजुकेशन मिनिस्टर्स को बोला हुआ है, और गोवा में 2023 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी टाइप से और भी कई स्टेट्स हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।